shake a bone, shake a bone, stew. Ride your own dinosaur, two by two. Reveal! Look at that! The bones have shown right where the next dinosaur will appear! On your feet, you lazy slugs! Get moving and don't come back here without it! On our way! अब तो तुम लोग जान ही गए होगे कि उसके सामने खड़ा होना मतलब बड़ी बात तो यह है कि अगर वो हड्डियाँ नहीं बताती तो हमें आना ही नहीं पड़ता। डॉक्टर जी भी बड़े अजीब है, काम साइंस का करते हैं मगर विश्वास जादू टोने पर रखते हैं। वैसे उनकी वो हड्डियाँ हैं बड़ी कमाल की, है ना? कोई कमाल वमाल नहीं है, वो तो डायनासोर के इमोशंस का वाइब्रेशन सुन लेती है और उस बुढ़ो को बता देती है जैसे कि वो कब गुस्सा हो रहे हैं या फिर कोई उन्हें सन की साइंटिस्ट बुलाता है। अब उस मशीन को क्या हो गया? तुमने कुछ तोड़ दिया क्या? और ये काली छड़ी की क्या जरूरत है? इसका पता तो मुंह टूटने पर लगेगा। Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah. Control the cards right in your hands. Jurassic Giants at your command. D-Team. Watch out, here we go. Prehistoric dinosaurs aren't extinct anymore. See them fight, hear them roar. Watch out, cause they're right next door. The past is in the present. Time to twist it upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah. मुझे अच्छा लगता है, महीने में कम से कम एक बार तो उड़ना चाहती हूँ। वैसे एयरप्लेन उड़ाने में बहुत मजा आता होगा, है ना? हाँ, इसके साथ एक बार आसमान में पहुँच जाएंगे तो ये हमें भी प्लेन उड़ाना सिखा देंगी। हे, देखो एयरपोर्ट आ गया। आज का मौसम तो बहुत अच्छा है, आज हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओह हेलो मिसेस स्टैनली। ओह हेलो रीस, तुम आज प्लेन उड़ाओगी? हाँ, आज महीने भर बाद आई हूँ। आज मौसम भी अच्छा है, तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। ये शायद तुम्हारी छोटी बहन है ना? हाँ, ये जोई है और ये है मैक्स और ये रिक्स। हाय मिस्टर स्टैनली। अरे ये कौन से जानवर ले आए हो तुम लोग? ये तो सिर्फ डॉगी है, सुंदर है ना? हाँ, क्या आप भी इन्हें पालेंगे? बिल्कुल नहीं, इन्हें मुझसे दूर ही रखो, मुझे जानवर पसंद ही नहीं है। मगर जानवर क्यों पसंद नहीं है? सॉरी, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी फ्लाइट मजेदार हो, मिलता हूँ रीस, बाय। उस आदमी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है रीस? पता नहीं तुम क्या पूछ रही हो जोई, मैं एक पायलट हूँ और वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, हमारा रिश्ता पूरी तरह से प्रोफेशनल है। अच्छा, चलो इस तरफ चलो बच्चों। चलती हूँ रीस, मैं ये एयरपोर्ट देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ। वाकई नहीं आओगी? ये क्या चक्कर है, तुम कुछ करने वाली हो ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग जाओ रीस के साथ फ्लाइट का मजा लो, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। वैसे तुम्हें करना क्या है? तुम उसकी चिंता छोड़ो, बाद में बता दूंगी। इसे क्या हुआ है? वो कुछ तो करने वाली है पर हमें बताना नहीं चाहती। ओ हे, अब तुम दोनों को क्या हो गया है? चलो जल्दी चलो। आया। मुझे लगता है कि रीस यहाँ इसलिए आती है ताकि वो उस आदमी से मिल सके, तभी तो वो इतना खुश रहती है। मुझे उन दोनों को अलग करना होगा, वो अच्छा आदमी नहीं लगता क्योंकि उसे जानवर पसंद नहीं है। मैं सही हूँ ना पैरिस? देखो वहाँ बैठा है।
मैं बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो। डरिए मत, ये नहीं काटेगी। हाँ डरेंगे तो काट लेगी। अच्छा फिर ठीक है। थैंक्स डॉ। अरे वाह, हम चल पड़े जॉन। सुनो मैक्स, अगर मैं और एस इसमें जाए तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं कोई बात नहीं है चॉम, मैं नहीं जानता था कि तुम्हें इतना डर लगता है। हम बाद में चलेंगे ठीक है? तुम्हें उड़ना पसंद है रेक्स? हाँ मुझे तो पसंद है। और तुम्हें इस? अरे वो क्या है, तुमने अभी वहाँ कुछ देखा? रीस, इस रॉकेट की नोज तो बहुत लंबी है, मगर यहाँ इतनी जगह किस लिए है? शायद वो स्टोर है, देखो तो उसमें सैंडविच तो नहीं रखे हैं। अभी नहीं जा सकते, हमारा टारगेट सामने ही है। तो फिर नीचे ले लो। अरे नहीं, ये कंट्रोल स्टिक भी टूट गया। क्या फिर से फ्लाइंग लेवल पर आ गए हैं। इसके रडार टूट गए, पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। रेक्स, ओह रेक्स तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं नहीं मान सकता कि रीज ऐसा करती होगी? करती है, कई बार कहने पर वो ब्रश करती है और नहाने का नाम लो तो रोने लगती है। हर बात में टांग अड़ाती रहती है। ये आदतें तो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मैंने आपको ये सब बताकर अच्छा किया ना? हेलो, हाँ मैं अभी आता हूँ, मुझे जाना होगा। रीज का प्लेन एक यूएफओ से टकरा गया है। ये कैसे हो गया? सब लोग अपनी जगह पर। बताओ अब क्या खबर है? उसके रडार टूट चुके हैं पर उसने कंट्रोल बना दिया है। स्टैनली बोल रहा हूँ, तुम कैसी हो रीज? अभी तक तो ठीक हूँ, मगर बहुत परेशानी हो रही है और एक पैसेंजर को फौरन डॉक्टर की भी जरूरत है। ओह, ये कौन है? चलो ठीक है, तुम इमरजेंसी लैंडिंग के लिए आगे बढ़ो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो यूएफओ, वो तो हमारे एयर स्पेस में आ गया है। क्या? हाँ वो रहा, ये तो बेकाबू हो चुका है। जोई तो इसी तरफ आई थी, मगर कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? हाँ? अरे ये क्या है? मुसीबत के वक्त उसने कम से कम हमें बचा तो लिया। पहली बार हम क्रैश लैंडिंग से बचे हैं। हाँ।
मेरा जैसा है। किसी ने सही कहा है, अपना प्यार मिलते ही दिल खबर दे देता है। मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही हो? हमें डायनासोर को पकड़ना है। इसे तुम पकड़ो, मुझे अपने दिल की सुनने दो। अब तुम लोग यहाँ क्या करने आ गए? सामने से हट जाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। शायद बाथरूम जाना होगा। ये तो बड़ा ही खतरनाक डायनासोर है। ये क्या हो रहा है? सुनो री, तुम अभी रनवे पर लैंड नहीं कर सकती। तुम चक्कर लगाती रहो, मैं मौका मिलते ही बता दूंगा। जैसे ही रनवे साफ होगा तुम उतर जाना, समझ गए? ठीक है, मगर इसमें ज्यादा फ्यूल नहीं है। डॉक्टर सी की बात सही निकली, ये तो एक डायनासोर है। हाँ, पर उसे पकड़ना भी तो है। ठीक है स्पाइनोसॉरस, भूल जाओ, वो मेगारेप्टर तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। चले जाओ यहाँ से। जॉन, हमें उस मेगारेप्टर को स्पाइनोसॉरस से बचाना होगा। तैयार हो जाओ, डायनो ट्राइसेराटॉप्स, हमला करो। रीस मुसीबत में है, आप उस यूएफओ को रनवे से हटाइए ना, तभी तो वो लैंड कर पाएगी। हाँ बात सही है, लेकिन यूएफओ को हटवाने का अभी फायदा नहीं है। रनवे पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। उससे बड़ी मुसीबत यह है कि रीज एक टूटे रडर वाला एयरक्राफ्ट उड़ा रही है। उसकी लैंडिंग इतनी आसान नहीं है। आप उसकी मदद कर सकते हैं ना? नहीं। तो अब क्या होगा? तुम यहाँ हो मेरे हीरो, मगर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। करीब से तुम और भी हैंडसम लगते हो, मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती। तुम मेरे हीरो और मैं तुम्हारी हीरोइन अर्सला। क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से हिल गया है आंटी? तुम हमारे बीच में मत बोलो। देखो मैं आंटी नहीं हूँ। मत चुपचाप यहाँ से खिसक लो। तुम और तुम्हारे उन बेवकूफ साथियों ने रनवे पर अपना शिप गिरा दिया है, जिससे मेरी बहन अपना प्लेन नहीं लैंड कर पा रही है। तुम आंटी नहीं हो, घंटी हो, गले की घंटी। बहुत हो गया, तुम मुझे नहीं जानती। मैं अपनी सोसाइटी की ब्यूटी क्वीन हूँ। देखिए मुझे बहुत काम करने हैं, अब जाइए यहाँ से। तुम अपनी हीरोइन को जाने को कह रहे हो? पर आप मुझे के लिए बने हैं। अगर तुम नहीं मानते तो ये लो, ये है मेरा अल्फा फ्लैश। बताओ कोई और है जो इस ब्यूटी क्वीन को आंटी कहकर चिढ़ाना चाहता हो? आप यहाँ से चले जाइए। नहीं, मुझे रीस के लिए रुकना ही पड़ेगा, उसे लैंडिंग करने के लिए मेरी जरूरत है। जोई, तुम किसी सेफ जगह पर चली जाओ। पेरी, जल्दी चलो। चले टेरी, तुम ये लड़ाई झगड़ा कहीं और जाकर करो ना। जाओ, चले जाओ। तुमने बेगा रात करके हवा निकाल दी। तुम अपना पैर कार पर जमाए रखो और ट्राइसेरेटॉप्स की भी पिटाई करते रहो। इसका जवाब है इलेक्ट्रिक शॉट। जो उठो, हमारा रडार टूट गया है, हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। टावर, मेरी बात सुन रहे हो? मैं टैंको 275, जवाब दो, ओवर। बोलो रीस, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हारी क्या सिचुएशन है? टावर, हम और देर तक नहीं रुक सकते, हमें इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन जल्दी दीजिए। हम नहीं दे सकते,
आई एम सॉरी रीस, मगर रनवे अभी तक ब्लॉक्ड है। टावर अब बहुत कम फ्यूल बचा है, शायद लीक हो रहा है। क्या तुम फ्यूल लीक होने की बात कर रही थी? ओ रिक्स, कैसे हो तुम? बहुत बुरा हाल है, लग रहा था सपना है मगर ये तो सच है, अजीब लग रहा है। तुम हिम्मत से काम लो, हम जल्दी ही नीचे उतर जाएंगे। क्या मैक्स और जोई नीचे डायनासोर से लड़ रहे हैं रीस? शायद हाँ, मगर अभी उनके बारे में सोचने का वक्त नहीं है, हम इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। जो करना है करो, पर जल्दी से रनवे क्लियर कराओ, तुम समझ गए हो? इतना फ्यूल बचा नहीं है कि हम चक्कर लगाते रहें, हमें नीचे उतरना होगा। मुझे एक बात याद आ गई है, देखती हूँ। काम करना, मैं चल रही हूँ। मेरी धड़कनें फिर से ठीक हो। डर लग रहा था? हाँ थोड़ा सा। तो ठीक है, आज के बाद तुम और चम बस में ही आना जाना। तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने मेरी काफी मदद की है, थैंक यू। मुझे खुशी है कि तुम सही सलामत हो। मैंने आपको बिल्कुल गलत समझा था मिस्टर स्टैनली। क्या? हाँ, जब आपने कहा कि आपको जानवर पसंद नहीं तो मुझे भी आप बिल्कुल पसंद नहीं आए, लेकिन मैं गलत थी, आपने रीस और रिक्स को बचाने की बहुत कोशिश की। मैं तो बस एक कंट्रोलर का काम कर रहा था। मुझे कोई एतराज नहीं है, आप मेरी बहन के साथ शादी कर सकते हैं। ये तुम क्या कह रही हो जोई? मिस्टर स्टैनली की शादी हो चुकी है। क्या? मगर मैं तो सोच रही थी कि तुम मिस्टर स्टैनली से मिलने वाली हो, इसीलिए इतनी खुश हो। मगर मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे प्लेन उड़ाना बहुत पसंद है। हाँ, मगर मैं। चलो कोई बात नहीं, मगर आगे से सोच समझ कर बात किया करो। और हाँ रीस, तुम भी रोज ब्रश किया करो और दिन में कम से कम एक बार नहा लिया करो और बीच में टांग मत अड़ाया करो। क्या? मैं किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाती और सफाई में मेरा कोई जवाब नहीं।
जोई, जोई कहाँ भाग रही हो? हे रीस, मेरी मानो तो आज तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, आखिर उसने ही हम दोनों की जान बचाई है। हाँ माफ कर दो, आखिर उसी की वजह से तो मुझे ये मेगा रैप्टर कार्ड मिला है। वाह, एक और डायनासोर पकड़ा गया। कमाल है, विश्वास नहीं होता कि इस जगह की ये हालत डायनासोर ने की है। ये देखो अब हमारे कलेक्शन में मेगा रैप्टर भी आ गया है। King is what you wanna be, yeah. Make your move, come on and make your move. Dinosaur King is your destiny, yeah. Make your move, come on and make your move. The past is in the present. Time is twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is your destiny, yeah.